Hey students, how are you? Hope you are doing fine. So today I am here to explain you how to find out whether the lines representing the pair of linear equations are consistent or inconsistent. So अगर आपने कुछ वीडियोस देखे हो, लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हम ये बताते हैं कि हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। So उसके लिए बेसिकली हम जो तीन फॉर्मूलाज का यूज करते हैं वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। So हमें इक्वेशन गिवन है 5x minus 3y equal to 11 minus 10x plus 6y equal to minus 22। हमें ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले हमारे पास a1 गिवन है, x का कोफिशिएंट 5, a2 गिवन है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट minus 10, b1 गिवन है, y का कोफिशिएंट minus 3, b2 है, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट which is 6, C1 हमारे पास है 11। जब भी हम C1 और C2 देखते हैं तो पहले हम उसको इक्वेशन में इधर लेके जाते हैं क्योंकि बेसिकली हमारी जनरल इक्वेशन होती है a1x plus b1y plus c, तो वो इस तरह होता है। तो अगर आप इस इक्वेशन में उसको पहले इधर लेके आओगे, सो दिस इज -11 इक्वल टू 0। सेम वे इसको अगर हम चेंज करेंगे तो बनेगा -10x plus 6y plus 22 इक्वल टू 0। सो हमारे पास C1 का वैल्यू यहाँ पर है -11 और C2 का वैल्यू है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 22। तो सबसे पहले a1 बाई ए टू करने में हमारे पास आता है 5 बाई माइनस 10, 5 1 सा 5 2 सा, दैट मीन्स -1 बाई 2। b1 बाई b2 करने में हमारे पास आता है -3 अपॉन 6, 3 1 सा 3 2 सा, दैट मीन्स -1 अपॉन 2। c1 बाई c2 करके हमारे पास आता है -11 अपॉन 22, 11 1 सा 11 2 सा -1 बाई 2। दैट मीन्स तीनों हमारे पास सेम आ गए। इसका मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जिस केस में तीनों इक्वल होते हैं दैट मीन्स हमारी लाइन्स जो होती है वो कोइंसिडेंट होती है। सो इसका मतलब ये जो हमारा केस है दिस इज कंसिस्टेंट। सो द गिवन पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सो इस तरह से वो तीन फॉर्मूला से यूज करके हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सो इनकेस आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज टू वॉच द लास्ट वीडियो, उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप ये देखते हो वो तीन फॉर्मूलाज, कैसे पता चलता है कि कब कौन सा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। सो इनकेस कोई भी क्वेरीज हो प्लीज डू राइट टू अस, चेंजेस स्पेस गिवन है प्लीज डू कमेंट करना एंड डू सब्सक्राइब अस। टिल देन गुड बाय, साइन आउट।